अस्सलाम वालेकुम गाइस, ताहर टेक्निकल में खुश आमदीद। बहुत सारे लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, लास्ट वीक में बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बना रहे हैं। 2139 एक्सचेंज जो कि बिल्कुल स्कैम कर चुकी है, इसके ऊपर अभी लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको अभी दूंगा, जो वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपडेट उन्होंने दी है, तो मैं आपको वो यहाँ पर अपडेट करूँगा। तो जो लोग स्कैम का शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी, वो प्लीज़ गौर से वीडियो को देखें, क्योंकि अभी वो लास्ट जो 2-3 दिन से यही न्यूज़ चल रही है कि वो कभी कह रहे हैं कि 10% अपना डिपॉज़िट करो जो आपकी बैलेंस पेमेंट है, कभी 30% कह रहे हैं। तो अभी उनकी जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो ग्रुप्स में आई हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेके वो मैं शेयर भी की है, मैंने वो शेयर करूँगा, मैंने वो स्क्रीन शॉट भी लिया है उसका, तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखें। तो देखें, ये एक बहुत बड़ा स्कैम था जो कि लोग 2 साल से कर रहे थे, उससे प्रॉफिट क्या क्या चीज़ें ले रहे थे। अभी उन्होंने क्या किया, लास्ट में जब बहुत ज़्यादा लोग लालच में आ गए, जिनमें मेरे बहुत सारे दोस्त जानने वाले हैं, वो बहुत लालच में आ गए और उन्हें अपने लाखों रुपया लगा दिया कि ये पैसे बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा स्कैम होकर उनके सारे पैसे जो हैं वो डूब चुके हैं। अभी उन्होंने लास्ट में क्या कहा था कि इसके जो है वो 10% आप इसका डिपॉज़िट करें, जब वो डिपॉज़िट करेंगे तो फिर आपको जो है वो प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे और आप दोबारा से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसका मैं आपको जो है वो स्क्रीनशॉट जो है साथ में दिखाऊंगा कि वो उन्होंने अभी ग्रुप में वो ताज़ा अपडेट किया है, उन्होंने क्या बोला है। तो कुछ लोगों ने 10% जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए थे 10%, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जस्ट वो लोग क्या कह रहे हैं कि इसकी ऐप जो है वो कंटिन्यू चल रही है, उसका कोई इशू नहीं है, डिपॉज़िट हो रहे हैं, सिर्फ विड्रॉ बंद किए हुए हैं। तो अभी जो विड्रॉ जो जिन लोगों ने 10% किए हैं उनको बोल रहे हैं सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए हैं, या सिग्नल मिले हैं या क्या है, ऐसा कुछ कन्फर्म किसी के पास भी कोई न्यूज़ नहीं है। और बहुत कम लोगों ने जो है वो 10% डिपॉज़िट किए थे। अभी उन्होंने ग्रुप में क्या कहा है मैं आपको ये यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये देखें, उन्होंने ग्रुप में मैसेज यहाँ पर किया है कि ब्राय करम नोट करें कि वो अराकीन जिन्होंने सिक्योरिटी डिपॉज़िट की अदायगी मुकम्मल कर ली है, अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉज़िट अदा कर दिया है लेकिन अभी तक नए सिग्नल ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं तो परेशान ना हों, कॉपी ट्रेडिंग में हिस्सा लेने के लिए सिग्नल के वक्त अपनी दरख्वास्त को खोलें और रिफ़्रेश करें। हर रोज़ सिग्नल का वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात का वक्त है। अभी उन्होंने क्या किया है कि यूएई का टाइम जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया, सिर्फ यूएई का टाइम है, पाकिस्तान का कोई टाइम नहीं, सिर्फ यूएई के टाइम पे सिग्नल्स वो लोग देंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने 10% जो है वो डिपॉज़िट करवा दिए हैं। और अभी सुनने में आ रहा था वो 30% जिन्होंने 10% नहीं किए थे 2 दिन पहले तक या 1 दिन पहले रात तक, तो अभी जो करना चाहेंगे उनको 30% डिपॉज़िट करना पड़ेंगे। तो फिर उनका जो है, लेकिन विड्रॉ जो है उसका उन्होंने टाइम क्या स्पेसिफिक टाइम उन्होंने कंडीशनें रखी हैं कि जब आप डिपॉज़िट 10% या 30% आप डिपॉज़िट रखेंगे तो उसका विड्रॉ, ये नहीं कि आप डिपॉज़िट जो है करने के बाद फ़ौरन आप विड्रॉ कर लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपॉज़िट आप करेंगे करने के बहुत सारे टाइम के बाद, उन्होंने कुछ पीरियड टाइम रखा है, कुछ मंथ रखे हैं या कितना टाइम रखा है मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उस टाइम तक आप जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। उस वक्त तक आप अपना डिपॉज़िट उसके अंदर रखेंगे और सिग्नल वगैरह पे जो काम होता था वो आप काम प्रॉपर करेंगे, उसके बाद उस टाइम पीरियड के बाद जाके आप अपनी विड्रॉ कर सकेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी अभी सख्त कंडीशन रखी हैं। ये व्हाट्सअप पे उन्होंने जो अपना टेलीग्राम पे जो उन्होंने अपना नोट्स दिया है, मैसेज दिया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इस तरह से ये लोग अभी दोबारा लूटने की तैयारी कर रहे हैं, एक नए तरीके से लूटने की तैयारी कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पैसे लुटा दिए हैं वो मज़ीद अपना ज़्यादा और पैसा बर्बाद ना करवाएं, ना लुटाएं। ये भी 10% या इससे ज़्यादा आप जब उनको डिपॉज़िट दे देंगे तो 110% ये आपका ये भी पैसा लेके खा जाएंगे और भाग जाएंगे, और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपको पता नहीं है आप किसको पैसे जमा करा रहे हैं, किसको नहीं जमा करा रहे हैं, आपके पास कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं है। तो प्लीज़ अपने पैसे को सेव रखें। इस तरह की स्कैमर एप्लीकेशन जितनी भी ऐप हैं जिनका ना सर ना पाँव है, ना ये ऐप स्टोर में है या ना ये प्ले स्टोर में है, तो इनसे बचें और अपने पैसे भी बचाएं। मुझे नेक्स्ट जो अपडेट आती है उस वक्त तक इजाज़त दें, जैसे नेक्स्ट अपडेट जो भी आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।